डेब्यू टेस्ट में धूम मचाने वाले इंग्लैंड के रेहान अहमद को मिलेगा खरीदार। ब्रेंडन मैककुलम ने दिया यह जवाब। इंग्लैंड के युवा स्पिनर रेहान अहमद को पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले में टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला। उन्होंने इस मैच में लाजवाब गेंदबाजी भी की। उन्होंने कुल 7 विकेट चटकाए। डेब्यू टेस्ट मैच में 5 से ज्यादा विकेट हासिल करने वाले वह सबसे युवा खिलाड़ी बने। ऐसे में जब इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैककुलम ने रेहान के आईपीएल ऑक्शन में खरीदे जाने की संभावनाओं पर बात की गई तो उनका जवाब बेहद सकारात्मक रहा। मैककुलम ने कहा, अगर आईपीएल 2023 के लिए होने वाले ऑक्शन में कोई फ्रेंचाइजी रेहान को खरीदती है तो यह इस युवा खिलाड़ी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। मैककुलम ने कहा, यह शानदार होगा और हो भी क्यों ना। ऐसे युवा खिलाड़ी को अलग अलग कोच और कप्तानों और अलग अलग खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए। किसी भी 18 वर्षीय युवा क्रिकेटर को मौके क्यों नहीं मिलने चाहिए, हमें इन्हें मौका देना चाहिए। 40 लाख है रेहान की बेस प्राइस। रेहान अहमद 23 दिसंबर को होने वाले आईपीएल ऑक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट किए जा चुके हैं। उनकी बेस प्राइस 40 लाख है। वैसे भारत में ही स्पिनर की भरमार को देखते हुए रेहान के बिकने की उम्मीदें कम है, लेकिन बेस प्राइस कम होने और अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मैच में लाजवाब प्रदर्शन के कारण इस खिलाड़ी को खरीदे जाने के कयास लगने लगे हैं। रेहान को इंग्लैंड में सीमित ओवर के लिए खेलने का कुछ अनुभव है। उन्होंने पिछली गर्मी में लिसेस्टरशायर के लिए 14 T20 ब्लास्ट मैच खेले थे। उन्होंने साउदर्न ब्रेव के लिए दी 100 में भी 5 मैच खेले थे।